वाह क्या माल है। कौन हो तुम? लड़की भी। वो तो हम भी देख रहे हैं मेरी जान, मगर तुम इन नरगिसी आंखों से आंसू क्यों बहा रही हो? क्या बताओ, मेरी माँ मर गई है और भरी जवानी में मैं सड़क पर आ गई हूँ। मतलब तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई? कैसे होती, सरकार 18 बरस से पहले शादी कहाँ होने देती है। क्या अभी तुम 18 की भी नहीं हुई हो? 18 की तो मैं आज हुई हूँ, मेरी माँ तो कल मर गई थी। काश वो आज मरती तो उसके जीते जी मैं किसी छेले का हाथ पकड़ लेती। हाय मैं किसका हाथ पकड़ूं? एक बात कहूं? कहो। देखो जो तुम कल नहीं पकड़ सकी उसे आज पकड़ लो। जी हमारा मतलब है कि अगर साथ ही ना हो तो जीवन में स्वाद नहीं होता। तो क्या स्वाद के लिए किसी रास्ते चलते का हाथ पकड़ लूं क्या? ये कौन कहता है? देखो तुम हमारा हाथ पकड़ लो, हम चारों भाई एकदम शुद्ध कंवारे हैं, हमारा बाप है, घर है, बैंक बैलेंस है और एक ऑटो रिक्शा भी है। हाँ। मुझे मालूम है कमीनो, इसीलिए तो लड़की बन के आया हूँ। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ मैं अकेली हूँ और तुम लोग चार मेरी जन्म कुंडली बिगाड़ोगे क्या? तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरी जान, हम तुम्हें रानी बना कर रखेंगे। हाँ पहले अपने माँ बाप से तो मिलवाओ ताकि पता तो चले तुम्हारा खानदान कितना घटिया है। क्या मतलब? मेरा मतलब है मुझे तसल्ली तो हो जाए, तुम तो कहते हो कि तुम लोग चारों भाई हो, तुम लोगों की शक्लें आपस में एक दूसरे से कहाँ मिलती हैं, चारों चार पार्टी के लगते हो। अरे चल ना, चल के देख हम सब एक पार्टी के हैं। देख देख हमारे बाप का नाम है केशव बापू दरवाजा, चल मिलवाते हैं। चल चले चल चलो लड़की। अरे कमबख्तो ये सामान खरीदते खरीदते लड़की कहाँ से खरीद रहे? ले देखे नहीं बापू, हम इसे खरीद कर नहीं लाए बापू, ये तो हमें सड़क पे मिली है। हाय रे कलजुग, अब ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें सड़क पर मिलने लगी, ले देखे। बापू इसे सहारा चाहिए। हा? अपनी बहू बना लो। अच्छा ओ तुम हमारे लिए बहू लाए हो। बापू कहो बहू कहो, तुम्हें हमारे लड़के पसंद है? ले देखे इन सब चुसे हुए आमों से ज्यादा मुझे तुम पसंद हो। क्या कह रही हो, कसम से हमारा हार्ट फेल हो जाएगा ले देखे। ये आपकी होने वाली बहू है? तो तुम हमारी होने वाली बहू हो, तुम्हारी तरफ इस तरह देखना भी हमारे लिए पाप है। कहो कहो तुम किससे शादी करोगी ले देखे? बापू बड़ा मैं हूँ। तो क्या हुआ, शादी नसीब से होती है भैया, छोटा बड़ा होने से कुछ नहीं होता। एक कुर्सी तू चुप रहे। देखो भैया चार भाइयों का हक बराबर बराबर है। खामोश खामोश कमबख्तो, एक लड़की के लिए तुम लोग आपस में मारकाट करोगे ले देखे? तू बोल तू बोल तू किससे शादी करेगी ले देखे? जो पूरी तरह मर्द हो और मुझसे पूरी तरह प्यार करे। लेकिन इसका फैसला कैसे करोगी कि इनमें से कौन सा पूरा मर्द है ले देखे? मैं टेस्टिंग लूंगी। वो कैसे? सीधी सी बात है, जो यहाँ से पैदल जवेरी बाजार जाएगा और वहां से मेरे लिए पाजेब लेके आएगा और सबसे पहले मेरे पैरों में पहनाएगा, मैं उसी की हो जाऊंगी। मैं तो चला जवेरी बाजार। अरे अरे वही खड़ी रहोगी क्या ले देके? आओ ना आ जाओ ले देके। दरवाजा बंद, मेरे लड़के भी एक नंबर के औरत बाजे ले देके। क्या हुआ, ये फल कहाँ से आया? ये सबर का फल है, मीठा है, खाओगे? ले देख। क्या रे सेब खाएगा? नहीं ये ले। रिक्शा खाया ना, मीठा लगा तेरे को? हाँ क्या क्या लगवाएगा मुझसे? अंगूठा लगवाएगा, हाथ लेगा, अभी देख मैं तेरा क्या क्या लेता हूँ। अरे कौन है रे तू, मेरे पीछे क्यों पड़ी है ले दे के? अबे तेरे ने ये
बटन लगा अबे अरे 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 मेरी माँ मार डालेगी क्या मुझे मार डालेगी मार डालूंगा पहचाना अरे तू मेरी रिक्शा 35,000 की थी ना 1,000 दिया बाकी 34,000 रुपए निकाल कौन सा 34,000 यार मेरे पास निकाल रिक्शा के निकाल अरे नहीं है मेरे पास बोला ना ले दे के सिर्फ 10,000 ही रह गए वैसे बाकी बाकी के बाद में हरामजादे ले दे के